الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور إن الله بكم لرؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. आज का महाना दरसे कुरान सुन्नत जो हुजूर क़िबला काबा सैयदी सनदी फरीदुल असर रहमतुल्लाह ताला अलैही की याद में हम इकट्ठे होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाथ उठाते हैं, अपनी झोलियों को भरते हैं. आज का ये महाना दरस शरीफ रबीउल अव्वल शरीफ में आया है और इसी हवाला से अमूमन हमारा पैगाम यहाँ पर इस्लाही आमाल के हवाला से होता है, मगर आज का दरस शरीफ मोजज़ात के हवाला से है. अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है वल्लज़ी युनज़िलु अला अब्दिही आयातिम बय्यिनात, जो अपने बंदे पर वाज़े मोजज़ात वाज़े निशानियां नाजिल फरमाता है. लियुख्रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि ये मेरा महबूब तुम्हें जुल्मतों से निकाल कर नूर से आशना करे, वहशतों से निकाल कर उनसियत के मनसब पर फाइज करे. दुनिया के अंदर जितने मामलात होते हैं वो दो तरह के हैं. कुछ वो मामलात होते हैं जो रूटीन के मुताबिक होते हैं, सूरज मशरिक से चढ़ता है मगरिब में डूब जाता है, चांद रात को चमकता है, दिन के वक्त हम उसकी रोशनी को महसूस नहीं करते, सितारे रात के वक्त आश्कार. ये है वो रूटीन के मुताबिक, मामूल के मुताबिक. मगर कुछ काम वो हैं जो मामूल से हटकर होते हैं. सूरज मशरिक से निकले मामूल के मुताबिक, मगर एक बंदा कहे अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन फी ताअतिका व ताअति रसूलिका फर्दुद अलैहि शम्सा, ऐ अल्लाह अली तो मेरे रुखे ताबों को देखता रहा, सूरज भी गुरूब हो गया, अब उसके लिए वापसी पलटा दे. अब ये रूटीन से हटकर है जिसकी वाजे तौजीह ना हो सके. कुछ काम वो है जिनकी तौजीह है, कुछ काम है जिनकी तौजीह नहीं है. अब इसकी तौजीह तो है कि पानी आसमानों से आता है, बादलों से आता है, नदियों नालों से आता है. भाई इसकी क्या तौजीह है कि आमिना का लाल अपनी उंगलियों को बर्तन में रखता है तो सरकार दोसरा की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं. इसकी क्या तौजीह है, कभी उंगलियों से भी पानी के चश्मे निकले. ये रूटीन से हटकर है, ये बात रूटीन से हटकर है. मैं यहां से वहां तक देख रहा हूं, मेरी रूटीन के मुताबिक है. मगर अजीब बात यह है, कुछ चीजें रूटीन से हटकर होती हैं
कि एक बंदा मदीना मुनव्वरा में खड़े होकर कहता है, आसमान की तरफ देखा, हुजूर क्या देखा? फरमाया, इन्नी रायतुल जन्ना था, मैं खड़ा मदीना मुनव्वरा में हूं मगर मैं तो जन्नतुल फिरदौस के जलवों को देख रहा हूं। निगाहों को झुका के देखा, हुजूर अब क्या नजर आया? फरमाया, काना युअज़्ज़बान फी कुबूरहिमा, मैं देख रहा हूं जो इस जमीन के नीचे दफन हो चुके हैं, नीचे दफन हो चुके हैं, मैं देख रहा हूं कि उनके साथ क्या हशर हो रहा है। रात की तारीकी में सहाबा इकराम सरकार के पास बैठे हैं, अंधेरा छा गया, हुजूर अब क्या करें? फरमाया, ये लकड़ी ले जाओ और जिधर जिधर तुमने जाना है वहां पर इसे आगे करते चले जाना, रब्बे जुलजलाल रोशनी अता फरमाता जाएगा। अब इसकी क्या तौजीह है, किसी के पास छोटी हो और वो रोशन हो। लुत्फ की बात ये है, लुत्फ की बात ये है कि ये ऐसी बैटरी मेरे मुस्तफा ने अता फरमाई। वो सहाबा इकराम एक जगह तक तो इकट्ठा सफर था, अब एक ने दाई जानब जाना है, दूसरे ने बाई जानब जाना है, सोचा कि अब क्या करें, लकड़ी तो एक है, अब क्या करें। मान ख्याल आया कि ये आम लकड़ी तो नहीं है, इसे दस्ते मुस्तफा लगा हुआ है। उस लकड़ी के साथ एक और लकड़ी को मिलाया, अब वो भी रोशन हो गई। एक से हबी लेकर एक लकड़ी, रोशन लकड़ी को इधर चले गए, दूसरे लेकर उधर चले गए। अब इसकी क्या तौजीह करेंगे। तो कुछ चीजें रूटीन के मुताबिक होती हैं, कुछ चीजें रूटीन से हटकर होती हैं, और जो चीजें रूटीन से हटकर होती हैं, ये बात ज़हन में रखे कि लाजमी नहीं है कि वो बंदा है मोमिन ही हो। कभी कभी ऐसा होता है कि काफिर बंदे के हाथों पर भी ऐसी चीजें जाहिर हो जाती हैं, ऐसी चीजें जाहिर हो जाती हैं कि वो बिल्कुल अजीब तरीन होती हैं। अब यहां पर जरा गौर करें कि एक काफिर का दरबार है, वहां पर कुछ जादूगर अपनी लकड़ियों को फेंकते हैं। फलम्मा अलकौ सहारू आयुनहुम, अब हुआ क्या है, फलम्मा अलकौ सहारू आयुनन्नास, लोगों की उन्होंने ऐसा कोई मिसमरिज्म कर दिया कि थी लकड़ियां, थी रस्सियां, मगर नजर आती थी सांप। अब इसकी जाहरी तौर पर तौजीह कोई थी नहीं, अब इसे इस्तिदराज कहा जाता है। यह इस्तिदराज है कि यहां पर एक काफिर बंदा, मुनाफिक बंदा, जालिम बंदा, जाबिर बंदा अपने हाथों से करतब दिखा रहा है, अपने हाथों से करतब दिखाता है। वो जैसे एक जोगी ने कहा था कि फरीद तुम अपना कोई काम दिखाओ या मैं दिखाऊं, उन्होंने कहा कि तुम दिखाओ। अब यहां पर वो काफिर आदमी वो हवा में उड़ना शुरू करता है, तो बाबा फरीदुद्दीन खुद उड़कर नहीं गए बल्कि अपने जूतों से फरमाया कि इसकी परवाज को मसदूद करके वापस ले आओ। अब वो एक काम कर रहा है जो काफिर बंदा, वो एक रूटीन से हटकर काम कर रहा है, रूटीन से हटकर ये काम कर रहा है। जब वो रूटीन से हटकर काम कर रहा है तो इसे कहा जाता है इस्तिदराज। और मामूल से हटकर, रूटीन से हटकर यही काम अगर करता है अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का वली, तो उसे कहा जाता है करामत, उसे कहा जाता है करामत। और ये कुरान मुकद्दस उसके ये हमें निशानदही फरमाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना बैठे हुए हैं, मुसलमान बैठे हुए हैं और बिलकीस सामने आ रही है,
अपने इलाके की वो मारूफ खातून। आप फरमाते हैं मुझे ये बताओ या अय्युहल मलाउ अय्युकुम यातीनी बे अर्शिहा कबला आई यातून मुस्लिमी। देखो वो सामने बिल्कीस आ रही है और वो अपना एक तख्त अपने कई तालों के अंदर कमरों के अंदर बंद करके, एक कमरा है फिर आगे 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 ताले लगे हुए हैं, इसे हैरान करना मकसूद है। कोई उसको लेकर मेरे पास आ सकता है? कितना फासला है। एक जिन उठा, कहता आना आती कभी कबल अन तकूम मिन मकामिक। हुजूर अभी आप मजलिस बर्खास्त नहीं करने पाएंगे कि मैं तख्ते बिल्कीस को आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। आपने फरमाया नहीं, ये तो बहुत सुस्त रफ्तारी है, हमारी मजलिस 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जारी रहे तो इसका मतलब तुम इतनी देर में तख्ते बिल्कीस भी नहीं ला सकते। वो चुप हो गया और मैं मोहब्बत से कहा करता हूं कि एक मलंग सा बंदा उठा, एक मलंग सा बंदा, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। वो बंदा रुब्बा अखबारा अशासा मदफूइन बिल अबवाब लौ अक्सम अल्लाही लअबरहू। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जाहरी तौर पर उनके बाल बिखरे होते हैं, कपड़े के मैले कुचैले होते हैं, मगर जरा निगाहे नाज उठा के कह देना मौला मैं तेरा बंदा बोल रहा हूं। अल्लाह को इतना प्यार आता है, इतना प्यार आता है, फिर वो फरमाता है अच्छा अब तू कुछ जो कहता है कहता चला जा, मैं तेरी बातों को मानता चला जाऊंगा। अब वो एक मलंग बंदा उठा, कहता है हुजूर आना आती कभी कबला आई यर्तद्दा इलैका तरफुक। ये आंखों की दो पलकें हैं ना, एक ऊपर वाला हिस्सा एक नीचे वाला। वो कहता हुजूर अभी आप अपनी आंख को झपकने नहीं पाएंगे कि मैं तख्ते बिल्कीस को खिदमत में पेश कर दूंगा। तख्ते बिल्कीस मीलों के फासले पर है और वो एक लम्हे से पहले मीलों के फासले पर है, कई कमरों में छुपा हुआ है, आगे कमरों को ताले लगे हुए हैं, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक सादा सा उम्मती एक लम्हे से पहले तख्ते बिल्कीस को उठाकर खिदमत में पेश कर देता। अब जरा गौर करें, गौर करें, क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम ये काम नहीं कर सकते थे? इतना जो कहा कि कोई है या अय्युहल मलाउ अय्युकुम यातीनी बि अर्शिहा कबला अन यातूनी मुस्लिमीन, कोई है जो उसे तख्ते बिल्कीस को ले आए? महसूस ही होता है कि अगर आप ले आते आप तो ला सकते थे, तो फिर वली की ताकत का शायद आम लोगों को अंदाजा भी ना हो सकता। भाई वो तो रसूल थे, वो तो अल्लाह के नबी थे, उन तो हवाओं को मुसख्खर किया हुआ था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम को हुक्म देकर आशकारा कर दिया कि नबी तो अपने मकाम पर है, नबियों के गुलामों का ये आलम है। और वो फिर जो गुलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम है उसका इतना बड़ा मकाम है, तो जो गुलाम मुस्तफा है उसका कितना मकाम होगा? देखो जरा गौर करें। अच्छा इसे कहा जाता है करामत, ये एक अपनी जगह पर उन्वान है, करामत का अपना एक चैप्टर है। कभी होता है कि रूटीन से हटकर एक बात अमल, वो अल्लाह के नबी की विलादत के वक्त जाहिर होती है, उसे कहा जाता है इरहास। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा होने लगे तो सैयदा मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा रब की बारगाह में अर्ज करती हैं मौला भूख लगी हुई है, कोई चीज भी खाने की नहीं है। हुक्म हुआ बहुजी इलाई की बिजी नख लाते, इस तने को हाथ लगाओ।
देखा मौला ये तो बिल्कुल ही खुश्क है, लगी भूख है, और ये तो खुश्क है, इस पर तो पत्ते नहीं है, ये तो बिल्कुल जला हुआ सड़ा हुआ पौधा है। हुक्म इसे हाथ तो लगा, वहुज़ी इसे थोड़ा सा अपनी तरफ खींच, वहुज़ी इलैही के बेजिज़ नखलत। मौला फिर क्या होगा, बस हाथ लगाया, अल्लाह की बंदी है, हुजूर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मा जी हैं, उन्होंने हाथ लगाया, जैसे अपनी तरफ खींचा तो लम्हे से पहले रब्बुल जलाल ने उस दरख्त को हरा भरा कर दिया, और लम्हा नहीं गुजरा तो उस दरख्त के ऊपर खजूरों को भी लगा दिया, खजूरें पक भी गईं, पकने के बाद अल्लाह की बंदी की गोद में गिरना भी शुरू हो गई। अब ये अल्लाह के नबी के विलादत के वक्त जो चीज जाहिर होती है, इसे कहा जाता है इरहास। जैसे रिवायात में आता है कि जब कायनात की आका जलवा फिगन हुए, खुद आपकी अम्मा जी फरमाती हैं, यस्तहु मिन्हु रीहु, बच्चे पैदा होते हैं तो बदबू पैदा होती है, आपकी अम्मा फरमाती हैं जब मेरा फर्जंद पैदा हुआ तो रब्बुल जलाल ने इस सारे इलाके को खुशबूदार बना दिया। ये बात है, सितारे झुके हुए हैं, आमीना का लाल आ गया, जमीन झूम रही है, आमीना का लाल आ गया, फरिश्ते रक्सा हैं, आमीना का लाल आ गया, फिजाओं के अंदर तरन्नुम है, आमीना का लाल आ गया, फिजाओं का जुगनू खुश हो रहा है, आमीना का लाल आ गया, परिंदे एक दूसरे को मुबारकबादियां पेश कर रहे हैं, आमीना का लाल आ गया। भाई इतनी खुशी तुम क्यों मना रहे हो? खुशी है आमीना के लाल के तशरीफ लाने की। हुजूर तशरीफ लाए हैं, हर तरफ खुशियां खुशियां हो गई हैं। और ये इसे कहा जाता है जो अल्लाह के नबी की विलादत के वक्त चीजें जाहिर होती हैं वो इरहास कहलाती हैं। और एक होता है मोजजा जो अल्लाह के नबी के हाथों पर जाहिर हो जाए। कभी मोजजा इस पोजीशन में होता है, वैसे एक तारीफ है किताब में, मा ओजीजा बिहिल खस्मो इंद तहदी, मद्दे मुकाबिल को जब बंदा अल्लाह का नबी आरी कर दे तो उसे कहा जाता है मोजजा। मगर इस्तिलाह में कहा जाता है अमरुन खारिकुन दिल आदती, नंबर एक रूटीन से हटकर यह अमल होता है, नंबर दो दाइयतुन इलल खैर वस्सआदा, खैर और सादत की तरफ लोगों को बुलाता है। जब अल्लाह के नबी अपना मोजजा दिखाते हैं तो लोग जब देखते हैं, जब अल्लाह के नबी मोजजा दिखाते हैं तो वो देखते हैं कि ये कुछ हो रहा है, फिर लोग कशां कशां उस तरफ बढ़ जाते हैं। तीसरी बात है मकरूनतुन बिदावन नबुव्वा, ये वहां दिखाया जाता है मोजजा जहां पर नबुव्वत का दावा हो चुका हो। कुसीदा बिही इजहारु सिद्क मनिद्दआ अन्नहु रसूलुल्लाह, जिसने ये दावा किया कि मैं अल्लाह का नबी हूं, फिर वो ये चीज दिखाता है तो उसे कहा जाता है मोजजा। जिसका सादा सा मतलब यह है कि अल्लाह के नबी जब रूटीन से हटकर चीज दिखाते हैं तो वो होता है मोजजा। हर दुनिया के हर खित्ते पर मकाम पर पानी ही पानी है, एक कश्ती फिर रही है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम इसके अंदर सवार हैं, आपके मानने वाले सवार हैं, चंद जानवर सवार हैं, ये अल्लाह के नबी का मोजज़ा। सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाओं को मुसख़र करते हैं, अल्लाह के नबी का मोजज़ा, अल्लाह के नबी का मोजज़ा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज करते हैं कि या अल्लाह तू मुर्दा चीजों को कैसे जिंदा करेगा? फरमाया तुम्हें ईमान नहीं है,
नहीं मौला, ईमान तो है, जरा दिल का इत्मीनान चाहता हूं। फरमाया खुज अरबा मिन अत्तैर, चार परिंदे पकड़, फसुर हुन्ना इलैक, उन्हें अपनी तरफ रागिब कर, जिसे कहते हैं घिजा लेना, उन्हें अपनी तरफ रागिब कर। मौला ये काम भी हो गया, अब क्या करूं? हुक्म हुआ कि अब ऐसा कर, इनको जिबा कर। जिबा कर दिया, फिर हुक्म हुआ इसकी इसकी बोटियां कर और कीमा कर। मौला वो भी कर दिया, पर मैं चारों परिंदों के कीमों को आपस में मिला दे। मौला मिला दिया, अब क्या करूं? फरमाया मिले हुए जो कीमे हैं मुख्तलिफ पहाड़ों पर बखेर। मौला अब बखेर, अब क्या करूं? फरमाया सुम्मदुहुन्ना, अब इन्हें बुला। या अल्लाह, या अल्लाह, ये जिंदा थे, इन्हें पाला पोसा, फिर तूने हुक्म दिया कि इन्हें जिबा कर, जिबा कर दिया, फिर तूने हुक्म दिया बोटियां कर, बोटियां कर दिया, फिर तूने हुक्म दिया कीमा कर, कीमा कर दिया, हुक्म दिया इनको आपस में मिला दे, मैंने मिला दिया। अब फरमाते हैं बुला, ये तो गायब हो गए हैं, इनकी हस्ती बस्ती खत्म हो गई। सुम्मद, बुला तो सही, सुम्मद हुन्ना या तीन कसा, या बुलाना तेरा काम है, इन्हें जिंदा करके तेरी बारगाह में पेश करना ये मेरा काम है। ये मोजजा है। हजरत इस्माइल जबीहुल्लाह छोटे से बच्चे हैं, छोटे से बच्चे, उन्हें तो अभी तक चलना फिरना नहीं आता, मगर अजीब बात यह है कि आप अपनी एड़ी को जमीन पर रगड़ते हैं तो आज भी जो जमजम का चश्मा उबल रहा है, चल रहा है, बस एक मर्तबा एड़ी को रगड़ते हैं तो रब्बुल जलाल वहां पर चश्मा जमजम को जारी कर देता है। ईसा रूहुल्ला, वो हाथ लगाते हैं, हाथ लगाते हैं, ईसा रूहुल्ला हाथ लगाते हैं, कोड़ियों को छुपा देते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं। मूसा कलीमुल्ला डंडा मारते हैं तो वहां पर 12 चश्मों को जारी कर देते हैं। ये सारे मौजजात हैं, सारे मौजजात हैं, मगर याद रखिए दिए मौजजे अंबिया को खुदा ने, दिए मौजजे अंबिया को खुदा ने, हमारा नबी मौजजा बन के आया। और मुझे ये बात बाबा जी किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह की याद आ रही है। बाबा जी एक तसलसल से फरमाया करते थे, देखो हुजूर निगाहों को झुकाएं तो मौजजा, निगाहों को उठाएं तो मौजजा, दामन को फैलाएं तो मौजजा, आप आराम फरमाएं तो मौजजा, उंगली का इशारा फरमाएं चांद को तोड़कर छोड़ें तो फिर मौजजा, डूबे हुए सूरज को वापस पलटाएं तो मौजजा, उंगलियों से चश्मों को जारी करें तो मौजजा, खुश्क लकड़ियों को कलाम करवाएं तो मौजजा, ओत पहाड़ को रक्स करवाएं तो मौजजा, और सरकारे दूसरा वो निगाहों को झुकाएं तो मौजजा, निगाहों को उठाएं तो मौजजा, जमीन से अरशे मौला पर जाएं तो मौजजा, अरशे मौला से फर्शे जमीन पर आए तो मौजजा है। जोर की सारी जिंदगी मौजजा से ताबीर है। बाबा जी किबला फरमाया करते, मुझे ये बताओ क्या हुजूर की इस अदा जैसी कोई अदा है कि जब महबूब ओहद के मैदान में जलवा फिगन हुए हैं और आपने एक कदम रखा, क्या उस एक कदम के उठाने का कोई कायनात के अंदर मुतबादल पेश कर सकता है? जब उसका कोई मुतबादल नहीं है, जबकि उसका मुतबादल नहीं है तो फिर मौजजा यही होता है, उसका कोई मुतबादल नहीं है और यही मौजजा है। क्योंकि इसका नबी के कदम, हुजूर के कदम जैसे कौन कदम उठाए? हुजूर की जुल्फों जैसी किसी की जुल्फ हो सकती है? लिहाजा हुजूर की जुल्फ मौजजा। क्या हुजूर के पसीने जैसा किसी का पसीना हो सकता है? नहीं हो सकता। हुजूर का ये पसीना मुबारक मौजजा। क्या हुजूर की समात जैसी किसी की समात हो सकती है?
नहीं हो सकती। समात मोजा, बसारत मोजा, बसीरत मोजा, लुआबे दहन मोजा, हुजूर का रंग मोजा, व दुहा का चेहरा मोजा, व लैल की जुल्फ मोजा, मा जागल बसर का काजल मोजा, जदुल्ला का हाथ मोजा, व मा रमैता की फेंक मोजा, ला उक्सिमु बिहाजल बलद की चाल और ढाल मोजा है। हुजूर की जात का कोई सानी नहीं है। जब आपकी जात का कोई सानी नहीं है, आपकी जात का कोई सानी नहीं है, आपके हुसन का लम जुज हर तमाम हुस्न ही, अभी तो हुजूर का सारा हुसन जाहिर ही नहीं हुआ। वाइल्ला लमा ताकत आज उन सहाबत नजरा इलेही, अगर सरकार का सारा हुसन आश्कारा हो जाता और वो हुजूर अलैहि सलात व तस्सीम के चेहरा पाक पर आ जाता, किसी सहाबी के अंदर ये ताकत ना होती कि रुखे मुस्तफा को तक सकता। हुजूर के तो मलफूफ हैं मोजात हुजूर के, आपका हुसन, आपकी सूरत, आपकी सीरत अभी सारी की सारी मलफूफ है। देखिए यहां पर हाफिज इब्ने तैमिया ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वो लिखते हैं आयात नबुवत व बराहीनुहा, आयात नबुवत व बराहीनुहा तकूनु फी हयात नबी व कबल मौलिद ही व बादा वफात ही वला तख्तसु बी हयात ही। जुमला बड़ा खूबसूरत है। नबी आए हैं तो मोजज़े दिखाए, मगर हुजूर की जात वो है कि आप आए बाद में हैं, मोजज़े पहले दिखाते रहे। आदम की तौबा कबूल हुई, मोजज़ा मेरे मुस्तफा का। क्या आपने, आदम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा था, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्क मुहम्मद, मेरी तो बात ही नहीं सुनता मेरे मौला, तो मोहम्मद के सदके ही मुझ पर रहम कर दे। अल्लाह ने फरमाया बाकी बातें तो हैं बाद की, पहले तो मुझे ये बता कैफ अरफ्ता मुहम्मदन वलम अखलुकहु, अभी तो मैंने मोहम्मद को पैदा नहीं, तूने कैसे पहचान लिया। आज के मौला लम्मा खलकता नहीं बियादी का, जब तूने मुझे अपने हाथ से पैदा किया, व नफख्ता फिया मिन रूहिका, और तूने फिर अपने हाथ से बनाया और अपनी फूंक मारी, पर रफा तो रासी, मैंने अपना सर उठाया, पर नजर तू अला कवाई मिल अर्श मकतूबन, तो मैंने अर्श मोल्ला के सतूनों पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलल्लाह, फअरफ्तु अन्नक लम तुज़िफ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल खल्क इलैका। मौला मुझे तो उसी वक्त पता चल गया था ये कोई बंदा आम बंदा नहीं हो सकता, ये तेरा कोई खास बंदा ही हो सकता है। अल्लाह जल्ला जलाल ने फरमाया सदकता याद, आदम तूने सच कहा, तूने सच कहा है, सल अब मां सल बिहक के मुंह, अब मोहम्मद के सदके मांग, मैं तेरी झोली को भरता हूं, अब मांगना। अब यहां पर ये रब्बे लम यजल की बारगाह में आदम अलैहिस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलात व तस्सीम के वसीला जलीला से मांगते हैं, रब्बे जुल जलाल करम फरमा देता है। तो ये मोजज़ात, मोजज़ात एक दो बातें मोजज़ा के हवाला से देखें, बाकी सारे अपने मकामात पर हैं। एक बात जरा गौर करें, आपको ख्वाब आ जाए, ख्वाब के अंदर आप महसूस करते हैं किसी आदमी को देखा है, किसी सरकटे को देखा है, ये देखा है, फलां देखा है, फलां देखा है। इंसान की ख्वाब में कभी सिफलियाती अमल होता है, वो जो कुछ सोचता है कभी उसके मुताबिक होता है, मगर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मगर याद रखना, मर रानी फिल मनामी फकद रानी। सरकार फरमाते हैं ख्वाब के अंदर, ख्वाब के अंदर शैतान तुम्हारे पास मुख्तलिफ शक्लें बदल कर आ सकता है, दरख्त बनकर आ सकता है, पत्थर बन के आ सकता है, जानवर बन के आ सकता है,
और किसी के रूप में आ सकता है, पर मैं अगर नहीं आ सकता तो मुझ मुस्तफा की शक्ल में नहीं आ सकता। उन मोजज़ात में से एक मोजज़ा ये भी है कि हुजूर अलैहिस्सलात व तस्सीम कायनात के आका, और देखिए आपकी दस्तरस, फइन्ना शैतान अल्लाह यतमस्सलु बी, शैतान मेरी शक्ल में नहीं आ सकता। अल जामी सहील बुखारी। और बाबा जी किबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया करते थे कि प्यार से, मौलाना चुटकी लेकर कभी बात नहीं करनी, और चुटकी लेकर हम बात करते भी नहीं है कि यहां पर कहें भाई ये भी बरेलवी ऐसे हैं, देवबंदी ऐसे हैं, हदीस ऐसे हैं, शिया ऐसे हैं, मगर हक बात कहने से रुकते भी नहीं है। मेरे अक्का ने नमाज पढ़ी, आसमान की तरफ देखा, नमाज मुकम्मल हो गई। हुजूर आज अजीब तरीके से आपने नमाज पढ़ी, ऊपर क्या देख रहे थे? गुलामा ने मुस्तफा, तुम किसी भी मसलक से मुतालिक हो, इस जुमले को सुनना। मेरे अक्का ने फरमाया इन्नी राइतुल जन्नता। देखे कितना सादा जुमला है, अभी मैंने तर्जमा नहीं किया, मेरा ख्याल है कि आप बात को समझ चुके होंगे। इन्नी राइतुल जन्नता, फरमाया खड़ा मैं मदीना मुनव्वरा में था, यहां खड़े खड़े मैं जन्नतुल फिरदौस के जलवों को देख रहा था। यही रुक कर जरा सोचें, एक तरफ हमें नहीं पता हजारों मील दूर है जन्नत, लाखों मील दूर है, करोड़ों मील दूर है, अरबों खरबों मील दूर है, हमें उसका पता नहीं। इतना जरूर है कि साइंसदानों ने अपने रॉकेट दौड़ाए, चांद तक पहुंचे, इससे आगे पहुंचे और आगे पहुंचे, मगर अभी तक जन्नत इससे भी आगे है, जन्नत इससे भी आगे है। और दूसरी तरफ आए, अल्लाह फरमाता है वाला सौफ युतीक रब्बुक फतरदा, महबूब तेरा रब तुझे इतना अता फरमाएगा, वाला सौफ युतीक रब्बुक फतरदा, महबूब तेरा रब तुझे इतना अता फरमाएगा कि तू राजी हो जाएगा। देखो जिस महबूब की शान इब्तिदा में ये है कि फर्श जमीन पर खड़े होकर जन्नतुल फिरदौस को तक लेते हैं, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे हो तो बंदों के सीनों को पढ़ लेते हैं, चेहरा पाक सामने हो तो रुकू और सजदे को देख लिया करते हैं, जिस बंदे का मकाम ये, और रब्बुल जलाल फरमाता है हर आने वाली घड़ी तेरे लिए वो पहली घड़ी से बेहतर है, जिस पहली घड़ी में आमिना का लाल जन्नत अल फिरदौस को तक लेता है तो जाहिर है कि अगली घड़ी में इससे भी आगे देखेगा, और जो उससे आगे घड़ी होगी उससे भी आगे देखेगा, और उससे भी आगे देखेगा। जिसका मतलब है कि जो महबूब को शान उस वक्त मिली थी, आज वो शान हजार हा गुना करोड़ हा गुना आगे, उससे भी आगे बढ़ चुकी है। तो जो जो काली जुल्फों वाला महबूब वो फर्श जमीन पर खड़ा, ये प्यार के साथ आखिरी जुमलों की तरफ आता हूं, जो महबूबे रब्बे लम यजल, वो जमीन पर खड़ा हुआ आसमानों को देखता है, और वो महबूब जो जन्नतुल फिरदौस को तक लेता है, जिसकी इतनी शान है, और आने वाली घड़ी वलल आखिरत खैरुल्ला का मिनल ऊला, वो पिछली घड़ी से बेहतर है, जिसको इतना मकाम है, पहले अगर ये मकाम है तो इसका मतलब है कि आज वो मकाम उससे भी आगे हो चुका है, उससे भी आगे हो चुका है। तो जो महबूब अपने इब्तदाई दौर में मदीना मुनव्वरा में बैठकर वो जन्नतुल फिरदौस को तक सकता है, तो आज जबकि ये अंदाज और भी बढ़ चुका है, तो मदीने की गलियों से इन गुलामान मुस्तफा को भी देख सकता है। यही वजह है, यही वजह है कि यहां पर हुजूर अलैहिस्सलात व तस्सीम, देखे जिनके लिए एक लम्हे से पहले सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, लम्हे से पहले वो बैतुल्लाह से बैतुल मुकद्दस पहुंच गए। कोई है माई का लाल जो ये सैकड़ों हजारों मीलों का सफर एक लम्हे से पहले करे?
कोई है माई का लाल जो बैतुल मुकद्दस से उड़े और फिर इतना बुलंदी पर चले जाए, सारे फरिश्ते नीचे, हवाएं नीचे, फिजाएं नीचे, जिब्रील अमीन साथ थे। जिब्रील अमीन आगे बढ़े, सरकार दो सराने पीछे मुड़कर देखा, फरमाया कि अब तो तुम भी आगे नहीं जा सकते, आगे अब तुम भी नहीं जा सकते। फिर वहां पर सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन की झलक देखते हैं, रब्बे जुलजलाल से हम कलाम होते हैं, लम्हे से पहले वापस आ जाते हैं, कुंडी हिल रही होती है, बिस्तर गर्म होता है, पानी चल रहा होता है। तो ये किसी के अंदर ये मोजजात है, ये मोजजात है। चलो इसे ना मानो, ये लंबे चौड़े मामलात हैं, ये तो मानो, ये तो मानो कि कायनात की आका सरकारे दोसरा, सरकारे दोसरा खुद फरमाते हैं जब मैं मक्का मुकरमा की गलियों से चलता था, आप फरमाते हैं इन्नी लआरिफु हाजरन बिमक्का तकाना युसल्लिमु अलैया क़बल अन उबअसा, जब मैं मक्के की गलियों से गुजरता था तो वहां पर पड़े हुए पत्थर भी मुझे मुस्तफा को सलाम पेश करते थे। ये मोजज़ात हैं। और ये महीना मुकद्दस महीना, ये मुकद्दस महीना, यहां पर सरकार की तशरीफ आवरी का महीना है, और इस मुकद्दस महीने में जहां तक हो सके दुरूद व सलाम के नजरानों के साथ सरकार दोसरा को खुश करने की हम सब कोशिश करें। आप दूर दूर के तशरीफ लाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इस प्यार को, इस मोहब्बत को कबूल व मंजूर फरमाए और हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए। अफजलु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा। खुल कर जिक्र करें, खुल कर जिक्र करें, ला इलाहा।
محمد الرسول اللہ یا اللہ یا رحمان 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 یا اللہ یا اللہ یا رحمان 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 یا رحمان یا اللہ 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 یا رحمان یا جل جلالک بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ستار یا غفار 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 جل جلالک بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم 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 یا حی یا قیوم
या हयो या कयूम, 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 या जल्ला जलालुक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हस्बी रब्बी जल्लल्ला मा फी कल्बी गैर अल्ला मा फी कल्बी गैर अल्ला हस्बी रब्बी जल्लल्ला 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 حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في جل جلالك بسم الله الرحمن الرحيم يا سبا ختم شيء پڑھ کرسی ایک لے یہاں پر کرسی لے کرسی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من
شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله 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 قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا وسكينة وراحة ومحبة وإشق وشوق وذوق وقوة قلوبنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء دافع البلاء دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والقرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع محفوظ منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور منور معمر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى
في الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم شفيع الأمم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مرقبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى وما فوقها مقامه وقاب قوسين أو أدنى مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين أنيس الغريبين شفيع المذنبين أنيس الغريبين أنيس الغريبين أنيس الغريبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعلى آله وصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه یا الہ العالمین اس ماہ برکت مقدس ماہ فلشیف کا ثواب کہے گئے کلمات کا ثواب نعت خوانی کا ثواب ختم شریف کا جس قدر بھی اوراد و وظائف پڑھے گئے دروشی پڑھا گیا حضور پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار تک پہنچا آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء و مرسلین کی ذوات قدسیہ تک پہنچا صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین اولیاء مقربین تمام مسلمان مردوں عورتوں کی روحوں تک پہنچا حضور خواجہ خواجگان خواجہ بحر و بر حضور خواجہ بابا فرید الدین گن شکر مسعود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روح پرفتو تک پہنچا حضور خواجہ میاں علی محمد خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی روح پرفتو تک پہنچا اے پیارے اللہ کریم خصوص بالخصوص حضور قبلہ فرید الاسر بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے پیارے اللہ کریم ہمارے والدین کریمین عائزہ اقربا دوست ساتھی جتنے بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جا چکے ہیں سب ہی کو غریق رحمت فرما اے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما لے اے اللہ تری ذات کا شکر ہے کہ تُو نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے گناہوں کا محاسبہ کرنے کا موقع عطا فرمایا اللہ میں یقین ہے ہمیں پکا پتہ ہے ہم گناہگار ہیں ہم سیاہکار ہیں ہم بد کردار ہیں ہم بے حیا ہیں
हम जालिम हैं, हम बिखरे हुए हैं, हम उजड़े हुए हैं, हम धोखेबाज हैं। अल्लाह में पता है हमने अपनों को, दूसरों को, करीबियों को, दूर वालों को धोखे दिए, हम धोखेबाज हैं। ए अल्लाह हमें पता है हमारे अंग अंग में गुनाह, हमारे अंग अंग में गुनाह, एक एक रोंगटा गुनाहों से लुचड़ा हुआ है, इसके बावजूद हमें यकीन है कि तू रहीम है, हमें यकीन है तू करीम है, हमें यकीन है तू सत्तारुल उयूब है, हमें यकीन है तू गफ्फारुल जुनूब है, हमें यकीन है तू जुर्मों से दरगुजर करने वाला है, हमें यकीन है तू गुनाहगारों की नदामत पर, उनके बहाए हुए आंसुओं पर शफकत फरमाने वाला है, हमें यकीन है कि तू खुद हमें अपनी बारगाह में बुलाता है और फरमाता है उदउनी अस्तजिब लकुम, लोगों मांगो तो सही मैं तुम्हारी पुकार का जवाब देता हूँ, मैं तुम्हारी बात को कबूल करता हूँ। फिर देख मेरे अल्लाह हम मांग रहे हैं, फिर हम तुझसे मांग रहे हैं। अल्लाह तू समयम बसीर है, अल्लाह तू सुनने वाला है, अल्लाह तू सुनने वाला, तू देखने वाला है, तू समीयुम बसीर है। अल्लाह कितने गुनाह हमने तुझसे छुप छुप कर किए, हमें हया ना आई, मगर तू तो देख रहा था। अल्लाह कितनी बातें हमने गलत की, तू तो सुन रहा था। अल्लाह हम शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दे। अल्लाह हम शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दे। ऐ प्यारे अल्लाह करीम, हम बदनी बीमार हैं, हमको शिफा दे दे। हम रूहानी मरीज हैं, हमको सेहतमंद कर दे। या अल्लाह कितने बड़े बड़े रूहानी पहलवान गुजरे। ऐ प्यारे अल्लाह करीम, हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु तेरे रूहानी पहलवान हैं। हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान हुजूर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तेरे रूहानी पहलवान हैं। ऐ प्यारे अल्लाह करीम, कितने तेरे बरगुजीदा शख्सियतें हैं। प्यारे अल्लाह हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गढ़ शकर मसूद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके सदके हम पर रहम फरमा दे। हुजूर बाबा जी किबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरीदुल असर के सदका हम पर रहम फरमा दे। ऐ अल्लाह ऐ प्यारे अल्लाह, हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख ले और देख मौला हम किस महीने में तुझसे तुझे मांग रहे हैं, किस महीने में तुझसे तुझी को मांग रहे हैं, किस महीने में तुझी से तुम्ही को मांग रहे हैं। प्यारे अल्लाह करीम, जिस मुकद्दस महीने में आकर आमीना के लाल ने गुनाहगारों को तेरी जात से मिलाया, उसी महीने में हुजूर के सदका हम पर रहम फरमा दे। ऐ प्यारे अल्लाह करीम, इस मुकद्दस महीने की बरकतें हम सब के शामिल हाल फरमा दे। या अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता कर दे, जो दुखी हैं उन्हें सुख अता कर दे, जो परेशान हाल हैं उन्हें सुकून अता कर दे, जो हस्पतालों में बीमार पड़े हैं ऐ अल्लाह रो राहें तक रहे हैं, किसी को खून नहीं मिल रहा, किसी को दवाई नहीं मिल रही, वो तेरे बंदों के मुंतजिर हैं। अल्लाह जब तक तू कर्म नहीं करता कुछ भी नहीं हो सकता। प्यारे अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा दे दे। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा दे दे। ऐ प्यारे अल्लाह करीम, कितने बंदे हैं जो जेलों में पड़े हुए हैं और नाहक पड़े हुए हैं, ऐ अल्लाह उनकी रिहाई का बंदोबस्त फरमा दे। ऐ अल्लाह जो मुजरिम भी हैं उन्हें राह हिदायत अता फरमा दे। ऐ प्यारे अल्लाह करीम, मजलूमों की मदद फरमा, जालिमों को हिदायत अता फरमा। ऐ प्यारे अल्लाह करीम, ये करम कर देना, करम कर देना। पता नहीं कितनी जिंदगी है कितनी नहीं है, जब हमारी मौत का वक्त आए, जब हमारी मौत का वक्त आए हमें हुजूर का दीदार अता फरमा देना। ऐ अल्लाह हमें हुजूर का दीदार कितना लुत्फ आए, ऐ अल्लाह ये कितना लुत्फ आएगा, हमारी मौत भी हयात बन रही होगी जब हुजूर का दीदार हो जाएगा। ऐ प्यारे अल्लाह करीम,
हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की ज्यारत अता फरमा देना, ज़बानों कर पर कलमा तय्यबा का विरद नसीब फरमा देना। ऐ अल्लाह तू इस बात पर कादिर है, बाबा जी किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह आने वालों को दुआ दिया करते थे, या अल्लाह तू कादिर है कि हम सबको मदीना मुनव्वरा की हाजिरी में इकट्ठा फरमा दे। ऐ प्यारे अल्लाह करीम हम सबको बाबा जी के सदका मदीना मुनव्वरा की हाजिरी में इकट्ठा फरमा दे, बैतुल्लाह शरीफ के जलवों में इकट्ठा फरमा दे, हुजूर की मोहब्बतों में इकट्ठा फरमा दे, हुजूर की नजर इनायत में हमको इकट्ठा फरमा दे। ऐ प्यारे अल्लाह करीम हम सबको हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के मुकद्दस जलवे अता फरमा, हुजूर के मुकद्दस जलवे नसीब फरमा, हमारे दिलों को साफ और शफाफ फरमा। ऐ अल्लाह जामिया फरीदिया की खैर फरमा, ऐ अल्लाह जामिया फरीदिया की खैर फरमा, ये बाबा जी किबला की निशानी है। ऐ अल्लाह हमें भरपूर खिदमत और नौकरी की तौफीक अता फरमा, ऐ अल्लाह हमें डगमगाने से बचा लेना। ऐ प्यारे अल्लाह करीम किसी भी मौका पर हमें डगमगाने से बचा लेना, तेरी रहमत साथ दे, तेरा कर्म साथ दे, तेरा जूद एहसान साथ दे। ऐ अल्लाह जामिया फरीदिया की खैर, असातजा की खैर, तलबा तालिबात की खैर, कारकुनान व बस्तगान की खैर। ऐ प्यारे अल्लाह करीम, ऐ प्यारे अल्लाह करीम हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की बारगाह में हाजिर होकर हम सबको दुरूद व सलाम के नजराने पेश करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तौफीक अता फरमा के हम हुजूर के दरवाजे पर खड़े होकर कहें हुजूर गुलाम आ गया, गुलाम आ गया, गुलाम आ गया। और कैसा लुत्फ आए क्या का आप फरमा दें गुलाम बिस्मिल्ला तो आ गया है, बिस्मिल्ला तो आ गया है। हुजूर आप आपकी मोहब्बतों में गुंदे हुए ये बंदे, आपकी मोहब्बतों में गुंदे हुए ये बंदे आपका कर्म चाहते हैं अता फरमा दें। हुजूर आप रहमतुल आलमीन हैं, सारी जहानों के सारे जहानों के लिए रहमत बनकर आए हैं, आदम अलैहिस्सलाम के जमाने के लिए रहमत है, शीस अलैहिस्सलाम के जमाने के लिए रहमत है, इस जमाने के लिए रहमत है, आने वाले जमानों के लिए रहमत है। हुजूर हम आपके आपके रहमत के जमाने में हैं, हुजूर खुदा के लिए हमें कबूल फरमा लें। हुजूर हम जितने भी मुजरिम हैं, हम धोखेबाज हैं, फराडिये लोग हैं, जाहिल लोग हैं, गंवार लोग हैं, और हमें नहीं पता अल्लाह को कैसे बनाना है, हमें नहीं पता अल्लाह के महबूब को कैसे बनाना है। जो अल्फाज बनते हैं हम मुंह में ले आते हैं, ऐ अल्लाह हमें माफ कर दे, ऐ अल्लाह हमें माफ कर दे, ऐ अल्लाह हमें माफ कर दे, ऐ अल्लाह हमें माफ कर दे। प्यारे अल्लाह करीम दुनिया और आखिरत की बेहतरियां भलाइयां हम सबको नसीब फरमा दे। प्यारे अल्लाह करीम हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख ले, या अल्लाह हम शर्मिंदा हैं तो हमारी शर्मिंदगी को कबूल फरमा लेना। ऐ अल्लाह हम शर्मिंदा हैं, लोगों से तो हमने छुप छुप कर गुनाह किए मगर तू तो देख रहा था, हमें शर्म ना आई, हमें शर्म ना आई। प्यारे अल्लाह अब हमें शर्म आ रही है, हमें माफ कर दे, हमारी शर्मिंदगी को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह हमारी शर्मिंदगी को कबूल फरमा ले, ऐ प्यारे अल्लाह करीम हमारी शर्मिंदगी को कबूल फरमा ले। हमारे झुके हुए सरों को देख मौला, हमारे उठे हुए हाथों को देख मौला, हमारी फैलाई हुई जोलियों को देख मौला। अल्लाह हम नादिम हैं, अल्लाह हम नादिम, किसी को बता भी नहीं सकते, किसी को बता भी नहीं सकते। मौला तू रहम फरमा दे, मौला तू करीम है करम फरमा दे, मौला तू फजल फरमाने वाला है फजल फरमा दे। ऐ प्यारे अल्लाह करीम हमारे दुखों को सुखों में बदल दे, परेशानियों को सुकून में बदल दे, खताओं को अता में बदल दे, जुर्मों को कर्म में बदल दे, हमारी दूरियों को अपनी कुर्बत में बदल दे।
रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना तं वकिना अज़ाब नार। रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह इस मुकद्दस महीने में बड़ी बरकतें अता कर दे। ऐ अल्लाह इस मुकद्दस महीने में तूने अपना महबूब अता किया, प्यारे अल्लाह करीम उस महबूब के सदके हमें बख्श दे, उस महबूब के सदके हमें बख्श दे, उस महबूब का वद्दुहा का चेहरा हमें अता फरमा दे, उस महबूब की जुल्फ़ें हमें दिखा दे, उस महबूब के मुकद्दस हाथों की हमें ज्यारत अता फरमा दे। فإنك خير الراحمين فإنك أرحم الراحمين فإنك أرحم الراحمين। मौला देख लेना, मौला देख, तेरे बंदे तुझे मनाने आए बैठे हैं तेरे घर में, मौला तू मान जा, मौला तू मान, मौला तू मान, मौला तू मान जा, मौला तू मान, मौला तू मान, मौला तू मान जा, मौला तू मान जा, तुझे तेरी जात का वास्ता है तू मान जा, तुझे तेरी रहीमी का वास्ता तू मान जा, तुझे तेरी करीमी का वास्ता तू मान जा, तुझे रहमतुल्लिल आलमीन का वास्ता तू मान जा, मेरे अल्लाह तू मान जा, मेरे अल्लाह तू मान, मेरे अल्लाह तू मान जा, हमारे पास मेरे प्यारे अल्लाह तू जानता है हमें कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई हम ऐसे ही मुंह उठाकर तेरी बारगाह में आ गए हैं। या अल्लाह तू तरस कर ले, अल्लाह तू तरस फरमा दे, तू गनी, तू गनी अज़हर दो आलम मन फकी। ऐ अल्लाह हम तेरे फकीर बंदे हैं, तू हमारा अमीर मौला है, तू गनी है, तू गनी अज़हर दो आलम मन फकीर। मौला तू गनी, तू गनी, तू बादशाह, तू बादशाह, तू बर का मालिक, तू बहर का मालिक, तू औजो हदीद का मालिक, जमीनों आसमानों का मालिक। मौला मेरी क्या औकात, अल्लाह हमारी औकात क्या है, एक पानी का बुलबुल सांस आए आए ना आए ना आए। मौला हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई औकात नहीं। मौला तू मान जा, ऐ अल्लाह इस मुकद्दस महीने में तू मान जा, हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है, बेऔकात लोग हैं, बेऔकात लोग हैं, तेरे दरवाजे पे हाजिर हमें कबूल फरमा ले। तू गनी अज़हर दो आलम मन फकीर, रोज़े महशर उज़र हाय मन पसीर। अल्लाह क़यामत के दिन हमारी माजरत को कबूल कर लेना, ऐ अल्लाह क़यामत के दिन हमें मुआफ कर देना। वर हिसाबम राबीनी ना गुजीर, अल्लाह अगर क़यामत के दिन हिसाब करना बड़ा जरूरी है और तू तो हिसाब लेने वाला है, ये तो करम कर अज निगाह मुस्तफा पिन्हा बगी। हुजूर के सामने हुजूर के सामने, हुजूर के सामने, हुजूर के सामने ये साहब, अल्लाह हुजूर के सामने ये साहब, ऐ प्यारे अल्लाह हमने अपना वक्त बर्बाद कर दिया, हमें माफ कर दे,
हमने लम्हे बर्बाद किए, हमें माफ कर दे। ए अल्लाह हमने अपने जोरे बाजू बर्बाद किए, हमें माफ कर दे। ए अल्लाह हम तारीकियों में उलझे हुए हैं, हमें माफ कर दे। ए अल्लाह हम परागंदा ख्यालात के मालिक हैं, हमें माफ कर दे। या अल्लाह मुआशी उलझनों में उलझे हुए हैं, हमें माफ कर दे। ए अल्लाह तेरे कितने बंदे हैं, कितने बंदे हैं दरवाजों पे जाके दस्तक देते हैं, दरवाजों पे जाके दस्तक देते हैं। कोई उन्हें देता है, कोई नहीं देता, फिर भी वो तेरा शुक्र करते हैं। या अल्लाह अपने शाकिर बंदों का सदका हम पर रहम कर दे। या अल्लाह अपने साबिर बंदों का सदका हम पर रहम कर दे। अल्लाह जो हमारी कोताहियां हैं उनसे सरफे नजर फरमा दे। जो साथी दूरदराज से करीब से आए हैं, प्यारे अल्लाह करीम उनकी मोहब्बतों को कबूल फरमा ले। फ़इन्नका खैरुर राहिमीन, फ़इन्नका अरहमुर राहिमीन, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा करम है। तूने अपनी बारगाह में हमें हाथ उठाने का मौका अता फरमाया। तेरी जात का शुक्रिया कि तूने हमें अपनी बारगाह में इज्जो मस्कनत पेश करने की तौफीक अता फरमाई। ए अल्लाह तेरी जात का शुक्रिया कि तूने हमें अपने गुनाहों पर निदामत की तौफीक अता फरमाई। ए अल्लाह तेरी जात का शुक्रिया अपनी बारगाह में हमें अपनी झोलियां फैलाने की तौफीक अता फरमाई। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही व आलिही व असहाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहम।